देख रहे हैं ARPV चैनल। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और CCS टीम ने इख्तलाफ पर कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस जिमन में जॉइंट CP AR श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। एक फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्कैम, ये टास्क फोर्स और CCS दोनों मिलकर ये दूसरा एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। इसमें फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, 2 डॉक्टर्स जो चाइना से कंप्लीट करे MBBS, ये 2 डॉक्टर्स, इनका नाम है, एक का नाम है कासरमुनि शिवानंद, दूसरा तोटा दिलीप कुमार। ये दोनों लोग 2012 में चाइना से MBBS कंप्लीट करने के बाद यहाँ हैदराबाद वापस आए। यहाँ आने के बाद ये लोग एक टेस्ट, इनको क्वालिफाई करना ज़रूरी है यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। वो टेस्ट का नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन, FMGE। ये पास होने के बाद ही ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन ये 2-3 बार अटेम्प्ट करे, उसमें कामयाब नहीं हुए, उसके वजह से ये डुप्लीकेट ये मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए एक एक्यूज्ड, मतलब वो जो तेलंगाना मेडिकल काउंसिल में काम करता, उनका नाम है अनंत कुमार, इसके मदद से ये 2 डॉक्टर्स ये 2 फेक सर्टिफिकेट्स हासिल करें, और उसके बाद ये लोग रेगुलर डॉक्टर के जैसा ये लोग कई हॉस्पिटल्स में काम करें, ये इन्फॉर्मेशन था। लेकिन ये इसका MO ये है कि जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो जेन्यून डॉक्टर्स को मिलता है, ये उनका एक नंबर, आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है, उसमें वो नंबर लेके इनके जो फेक डॉक्टर्स हैं उनके डिटेल्स पूरे उसमें अपलोड करके, ये जो अनंत कुमार जो सीनियर असिस्टेंट जैसा काम कर रहा है वहाँ पे तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल में, वो 2 सर्टिफिकेट्स ये 2 डॉक्टर्स को इशू करा। लेकिन वो जेन्यून डॉक्टर जो श्रीनिवास है, वो अपना रिन्यूअल के लिए फिर वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि उनके नाम पे कोई और फेक आदमी, फेक डॉक्टर, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल्स भर के वो फेक सर्टिफिकेट लिया, उस वैसा वो कंप्लेन करे वो डॉक्टर, उसके बाद में इन्वेस्टिगेट करे तो ये पूरा जो इनका स्कैम है ये बाहर आया। अनंत कुमार ये 2 डॉक्टर्स ये जो फेक सर्टिफिकेट हासिल करे डॉक्टर्स, इनके पास एक एक करने से 9-9 लाख लिए, टोटल 18 लाख। इसके अलावा 2 और डॉक्टर्स को दिए, ये इन्फॉर्मेशन है, वो भी वेरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा अनंत कुमार के अलावा मेडिकल नहीं, फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन यही प्रोसेस करा। लेकिन ये जेन्यून सर्टिफिकेट जैसा जो वहाँ से तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल से निकलता जेन्यून सर्टिफिकेट, उसी तरह ये निकाल के, मतलब रजिस्ट्रार और जो ऑफिशियल साइन करे उनके से साइन करा के डिलीवर कर। अनंत कुमार को भी अरेस्ट करें, और 2 डॉक्टर्स है जो ये फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए, उनको भी अरेस्ट करें। तो क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है उन्होंने खुद परेशान है, तो वो खुद इन्फॉर्मेशन अपने को देने के लिए तैयार है। तो मतलब डेफिनेटली कोई किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर से है इन्वेस्टिगेशन में किसी का हाथ है इसमें मालूम होता तो फिर डेफिनेटली एक्शन लेंगे। अनंत कुमार कितने साल? वो 47 ईयर्स है उनका, कहीं 20 साल से पहले। आप देख रहे हैं ए आर